हेलो एवरीवन हमारा पिछला जो टॉपिक था उससे हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग राफ्ट देर आर टू स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग द राफ्ट फुटिंग नेमली डी एंड शोरिंग जो हम राफ्ट फाउंडेशन को एग्जीक्यूट करते हैं उसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है एक डी वॉटरिंग होता है एक शोरिंग होता है डी वोटरिंग क्या होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ वाटर फ्रॉम एक्सकेवेटेड एरिया एंड डिस्चार्जिंग इट टू एनी अदर प्लेस ये एक प्रोसेस है पानी निकालने की कहाँ से एक्सकेवेटेड एरिया से जो खुद जिसकी खुदाई हो चुकी है वाले एरिया की और एंड डिस्चार्जिंग इट टू एनी अदर प्लेस वहाँ से ने मतलब डी मतलब एक जगह से पानी निकालना और दूसरी जगह डिस्चार्ज कर देना तो सेकेंड है शोरिंग इट इज़ नथिंग बट शटरिंग फॉर द वॉल ऑफ एक्सकेवेटेड पिट टू अवॉइड द स्लाइडिंग ऑफ सॉइल ये कुछ नहीं है बस ये कि ये जो द uh, वॉल के लिए जो होता है हम शटरिंग प्रोवाइड करते हैं जो एक्सकेवेटेड पिट जो गड्ढा जो खुद चुका है उसके लिए जो हम शटरिंग प्रोवाइड करते हैं उसके लिए वो होता है शोरिंग टू अवॉइड द स्लाइडिंग ऑफ सॉइल जिससे हमारा सॉइल है जो मिट्टी है वो वो स्लाइड ना हो सके ना हो पाए अब इसमें नोट आ रहा है कि राफ्ट फुटिंग डज नॉट हैव नेक कॉलम दे स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस ये जो राफ्ट फुटिंग होती हैं इनमें नेक कॉलम नहीं होता है और वो डायरेक्टली ग्राउंड सरफेस से स्टार्ट होती हैं बट रेनफोर्समेंट ऑफ नेक कॉलम जो रेनफोर्समेंट होता है नेक कॉलम का स्टार्ट्स फ्रॉम राफ्ट राफ्ट से स्टार्ट होता है इनफोर्समेंट मतलब ये कि जो भी राफ्ट फुटिंग रहेगी जब भी आप इस्तेमाल करते हैं लोग तो उसमें नेक कॉलम नहीं होता है डायरेक्टली वो ग्राउंड सरफेस से आ जाती है मतलब डायरेक्टली ग्राउंड सरफेस से रहती है अब आता दूसरा टॉपिक ये है कि पाइल फूटिंग क्या है पाइल फूटिंग इसी कंटिन्यू की सेवन नंबर का दे आर कंस्ट्रक्टेड वेयर एक्सेसिटलमेंट इज टू बी एलिनेटेड जहाँ ज़्यादा सेटलमेंट आता है वहाँ ये कंस्ट्रक्ट होती हैं एंड वेयर द लोड इज़ टू बी ट्रांसफर थ्रू सॉफ्ट सॉइल जहाँ हमको लोड ट्रांसफ़र करना है मतलब ट्रांसफर हो रहा है सॉफ्ट सॉइल के थ्रू जहाँ लोड ट्रांसफर हो रहा है वहाँ हम पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं पाइल फुटिंग, वेयर द सॉइल बियरिंग कैपेसिटी इज सफिशियट जहाँ सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी सफिशियंट है ना ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा हाई है पाइल्स आर नथिंग बट राउंड कॉलम्स दे मे बी प्री कास्ट और कास्ट इन इंस्टीट्यू पाइल्स कुछ नहीं होते हैं एक राउंड कॉलम्स होते हैं ये गोल कॉलम वो प्री कास्ट भी हो सकते हैं और कास्ट इन इंस्टीट्यू मतलब पहले से हमको कास्ट मिले मतलब तो पहले 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 से ही उनका कॉन्क्रीटिंग हो चुकी होती है वो ऐसे प्री कास्ट उनको कहते हैं जो जिनकी पहले से ही कॉन्क्रीटिंग हो चुकी होती है और कास्ट इन इंस्टीट्यू मतलब जो साइट पर कास्ट किए जाते हैं दीज टाइप्स ऑफ फूटिंग्स आर प्रोवाइडेड वैन द सॉइल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज वेरी वीक ये टाइप की फूटिंग जब प्रोवाइड की जाती है जब सॉइल बियरिंग कैपेसिटी हमारी जो होती है एस बी सी वो बहुत वीक हो एंड द ग्राउंड वाटर टेबल इज हाई जहाँ ग्राउंड वाटर टेबल हाई हो फिर थर्ड पॉइंट है इसका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग पाइल्स अंडर द फुटिंग स्ट्रक्चर फ्राम सेटलमेंट इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो फुटिंग होती है उनको इज टू प्रिवेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम सेटलमेंट स्ट्रक्चर को सेटलमेंट से प्रिवेंट करना द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि जो इसको मतलब प्रिवेंट करना है हमको स्ट्रक्चर को कि वो सेटल ना हो जाए इसलिए इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये इफ वी डोंट प्रोवाइड पाइल अंडर द फुटिंग देन द बिल्डिंग विल हैव सेटलमेंट अगर हम पाइल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फुटिंग के अंडर फुटिंग के नीचे तो फिर बिल्डिंग का सेटलमेंट हो जाएगा पाइल्स आर द ग्राउंड टिल हार्ड स्ट्राटा ऑफ अर्थ इज फाउंड जब तक पाइल्स जब तक प्रोवाइड मतलब डाले जाते हैं जमीन के अंदर ग्राउंड लेवल के अंदर तक जब तक हार्ड स्ट्राटा हमको नहीं मिल जाता यही कहारियाज सी शोर मतलब जो समुद्र के तल होते हैं उसके आसपास ये जो एरियाज होते हैं उनमें ज्यादातर ये फुटिंग यूज होती है देखिए ये पाइल कैप है ये प्लान दिखा रहा है हमारा टॉप व्यू दिखा रहा है इसका जब पाइल फुटिंग यूज करते हैं हम ये सेक्शन है सेक्शन ड्राइंग है ये प्रीकास्ट राउंड कॉलम है जो राउंड कॉलम की बात कर रहे थे और ये पीसीसी बेड आ गया उसके ऊपर पाइल कैप आ गया पी के ऊपर आ गया जिसको पाइल कैप कह रहे हैं और नेक कॉलम और फिर ये प्लान हो गया ये सेक्शन हो गया सिंगल पाइल है ये मतलब सिर्फ एक पाइल बना है एक राउंड कॉलम यूज हुआ है प्री कास्ट है मतलब पहले से ही कास्टिंग हो चुकी थी उसकी साइड पे कास्ट नहीं हुआ है और यहाँ सेक्शन ड्राइंग सिंगल पाइल विथ सिंगल पाइल ये डबल पाइल है यहाँ दो पाइल है लेकिन इसने लिख दिया गलत लिखा है यहाँ सिंगल पाइल नहीं होना चाहिए यहाँ डबल पाइल है एक ये पाइल है एक ये पाइल है पाइल कैप ये दो पाइल यूज हुए हैं यहाँ या सिंगल पाइल यूज हुआ है देखो ये दो पाइल है पाइल्स इसलिए पाइल्स लिखा है यहाँ यहाँ सिर्फ एक पाइल लिखा है प्लान इसका ऐसा है कि जब आप ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा ये नेक कॉलम आ गया इसलिए कॉलम ऐसा दिख रहा है सामने से ऊपर से सॉरी और ये आपका सेक्शन है जब आप सेक्शन काट के देखोगे देखिए ये ये शॉर्ट फ्लाइट लेयर ऑगर अच्छा ये बताया देखो जैसे ये पाइल गया है सर ग्राउंड में ये हार्ड इनकम्प्रेसिबल लेयर आई है हमारी फिर उसके ऊपर कंसोलिडेटेड सॉइल आई है फिर रिसेंट रे, फिल है ये फिल, फिलिंग है इसकी ये दिखा रहा है कि ऐसे लूट लुट जाता है मतलब फुटिंग के नीचे जो पाइल आता है वो ऐसे लोट ट्रांसफर करता है ये देखिए ऐसा ये जो एरो से दिखाया गया है इसमें और हम ये ऑगर यूज़ करते हैं जब हमको पाइल ज़मीन के अंदर गाड़ना रहता है या ज़मीन के अंदर डालना रहता है तो हम ऑगर यूज़ करते हैं ये ड्रिलिंग बकेट ड्रिलिंग बकेट भी यूज़ होती है प्रीकास्ट कंक्रीट सेक्शन है ये प्रीकास्ट और ये हाइड्रोलिक जैक है ये सब यूज़ होते हैं ये पाइल को वो मतलब पाइल फाउंडेशन के लिए ये देखिए दिखा रहा है ये ऐसे पाइल फाउंडेशन यूज़ होता है ऐसे कैरी करते हैं उसको ये फाइल डाल रहे हैं ये टू थाउजेंड नाइन की इमेज है ये ट्वेंटी एट वन टू थाउजेंड नाइन ये देखिए ये इमेजेस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कॉलम देखेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग कीप सपोर्टिंग गाइस एंड कीप शेयरिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग